नमस्कार दोस्तों, नित्य नव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने, और ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका शीर्षक है बनारस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है, जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा यमंडवाड़ी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीप गिनगिनाने लगती है। जो है वह सुखबुक आता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध मेघ पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से हर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह फूलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। इस तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि पानी वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओ सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के खुश जाओ इस शहर में। अद्भुत है इसकी बनावट, यहाँ आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा संख में। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है, जो नहीं है उसे थामे हैं राग और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के उठे हुए आदमियों के हाथों के स्तंभ, किसी अलग से सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।